वालेकुम अस्सलाम हीरो, की खबर? जावेद के वाले से जो इश्तेहार दिया था तो उस पर दो खवातीन ने वाली साहब से रब्ता किया है, विच इज गुड न्यूज। यानी कि उसके खिलाफ केस जो है वो कुछ मजबूत हो चला है। जो रूही और समरीन के साथ किया है वही उन दो लड़कियों के साथ भी उसने किया है। एक का अपार्टमेंट बेच के खा गया, एक के 10 लाख हथियार लिए, एक पिंडी से है और दूसरी क्या खाना था, यहाँ वाली से। अपने काम का माहिर लगता है, लेकिन मकाफात अमल भी कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है जिससे बचना मुश्किल है। अब देखो कहाँ आके फंसा हो। बात तो सही है। ऐसे ही है। जावेद का फोन आया था। क्या कह रहा था? धमकियां दे रहा था। वो जो उसके खिलाफ इश्तेहार लगाया गुस्से में इस बात पे हो, तो मैंने कहा ठीक है फिर तुम कोर्ट आओ, वहां बात करते हैं। कोर्ट आएगा? वो कभी भी नहीं आएगा। जाहिर बात है, क्यों आएगा कोर्ट? उसे पता है अगर वो वहां आएगा तो फंस जाएगा। और जैसे जैसे उसके जराइम सामने आते जा रहे हैं, जमीन तो तंग होती जा रही है ना उस पर। हमें अब जरा सी एहतियात बरतनी पड़ेगी। बेटा एक काम तो करें कि आप अपने स्कूल से छुट्टी करें, और आपके फोन में रिकॉर्डिंग की सहूलत है ना? बिल्कुल है। और जिस नंबर से उसने कॉल किया ना वो नंबर मुझे भेजना। मैं भी आपको सेंड करती हूँ। ठीक है, थैंक यू। गुड कॉल। जी करते हैं। ठीक है, एंड यू डोंट वरी, ओके, इट्स ऑल टेकन केयर ऑफ, इट्स ऑल गुड। चलिए।